हेलो दोस्तों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति के बारे में, जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो विश्व भर में आज भी ऐसी बहुत सी जनजाति पाई जाती हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और रीति रिवाज को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, जिसके बारे में सुनकर अजीब सा लगता है कि आखिर सच में ऐसी जनजाति के लोग आज भी दुनिया में हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूर्वी अफ्रीका के इंथोपिया में रहती है। इस जनजाति को मुर्सी जनजाति के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। मुर्सी जनजाति के लोग साउथ इंथोपिया और सूडान बॉर्डर के पास स्थित ओमो वैली में रहते हैं। बता दें कि इनकी आबादी करीब 10,000 के आसपास है। मुर्सी जनजाति के लोग अपनी परंपराओं को लेकर भी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। लोगों की बुरी नज़र से बचने के लिए मुर्सी जनजाति की महिलाएं बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत अपने निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की बनी डिस्क पहनती हैं। 15-16 साल की उम्र में पहुंचने पर लड़की की माँ कबीले की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उसके निचले होंठ को काट देती हैं। घाव पकने तक उसमें लकड़ी का टुकड़ा फंसाया जाता है। फिर कुछ महीनों बाद उसमें 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है, जो कि जीवन पर्यंत उसके होंठ में लगी रहती है। मुर्सी जनजाति के लोग लड़ाई से पहले गाय का खून पीते हैं ताकि वो ज़्यादा मोटे और ताकतवर बन सकें और कबीले में अपनी सम्मानजनक पोजीशन बना सकें। हालांकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भी यह लोग गाय का खून में दूध खूब पीते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए आपस में डंडों की लड़ाई भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो शख्स लड़ाई में जीतता है उसे सबसे सुंदर पत्नी मिलती है। दोस्तों, मुर्सी जनजाति के लोग अपने पास आधुनिक हथियार भी रखते हैं। ये लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय देकर खरीदते हैं, जबकि नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदा जाता है। पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से इन्हें हथियारों की सप्लाई की जाती है। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।